मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। भोपाल पुलिस के 3 कांस्टेबलों ने मिलकर सड़क पर ही एडिशनल एसपी की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद वे यह बोलकर निकल गए कि हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामला रविवार देर रात का है। एडिशनल एसपी बीएम शाक के देर रात परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ से लौट रहे थे। डिपो चौराहे पर वे पहुंचे, वहां पर लॉकडाउन के कारण बैरिकेड लगे थे। एडिशनल एसपी शाक के कार से उतरे और बैरिकेड हटाने लगे, तभी एक तेज कार वहां से गुजरी। कार से मामूली टक्कर एडिशनल एसपी को लग गई। इस पर उन्होंने कार सवारों को ठीक ढंग से कार चलाने की नसीहत दी। यह नसीहत एडिशनल एसपी शाक्य को भारी पड़ गई। कार सवारों ने कार रोकी और पहले एडिशनल एसपी से कहा सुनी की, वाद विवाद किया, इसके बाद सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दी और धमकी देकर निकल गए कि हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामले की एफआईआर टीटी नगर थाने में हुई है। पुलिस ने जब पड़ताल की तो सामने आया कि मारपीट करने वाले तीनों उन्हीं के विभाग के पुलिसकर्मी हैं। एक कांस्टेबल है, एक ट्रैफिक में है और दूसरा रिजर्व फोर्स में है और तीसरा एसएएफ का कांस्टेबल है। ये थाना टीटी नगर क्षेत्र का मामला है। इसमें जो रात को बैरिगेट से निकलने के विषय पर इन पे आपस में लड़ाई हुई थी। दोनों ही लोग सिविल में थे और दोनों को ही नहीं पता था कि पुलिस विभाग से हैं। ये आपस में साधारण मारपीट का मामला है जिसमें थाना टीटी नगर में कायम हो रही है। इसमें थाने के जो आरक्षक हैं, कितने आरक्षकों के नाम सामने आ रहे हैं? इसमें थाने के आरक्षक नहीं है, इसमें ये 3 जो आरक्षक हैं, एक यातायात का है और एक इसमें जिला बल का है और एक एसएएफ का है। तीनों की पोस्टिंग जो जिला बल का जो आरक्षक है वो क्या थाने पोस्टिंग थी या नहीं? नहीं, थाने में पोस्टेड नहीं है। इसमें से जो एक है उसको ऑलरेडी जो डी में सस्पेंड चल रहा है वो, और एक यातायात का था जो सिक पे अपने घर जा रहा था।